सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार। आज आप लोगों के बीच आने का मकसद है पूरा उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आया हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं खुद स्वयं मधुबनी जिले में और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों से होकर के आया हूँ। वहाँ भी स्थिति का जायज़ा हम लोगों ने लिया और चाहे मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो, गोपालगंज हो, छपरा प्रमंडल हो, चंपारण का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, हर तरफ जो है बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। महासेतु हो, अप्रोच रोड्स हों, पुल पुलिया हों, चंपारण तट बंद हो, छपरा का तट बंद हो या बांध हो, वो टूट रहे हैं, कट रहे हैं और तेजी से जो है वाटर लेवल जो है वो हाई हो रहा है। लोगों के जान मान पे नुकसान पहुंच रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, पूरा उत्तर बिहार जो है डूब रहा है। लगातार हम लोगों ने भी देखा कि गोपालगंज में जो महासेतु था उसका भी अप्रोच रोड टूटा। बार बार हम लोग कहते रहे कि पूरा भ्रष्टाचार का ये खेल है, भ्रष्टाचार के वजह से ये सारी चीज़ें टूटी हैं। जब सबको पता है नीतीश जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जो पुल 8 सालों से बनता है वो केवल 29 दिनों में डूब जाता है, टूट जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक पैसा अर्जित करने का तरीका है, धंधा हो चुका है। 15 साल में 55 घोटाले नहीं बल्कि 57 घोटाले हो चुके हैं और सरकार के लोग बाढ़ को लेकर के चिंतित नहीं है। कोविड-19 कोरोना का कहर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर चिंतित नहीं है। लोगों की जान को बचाना नहीं चाहते हैं बल्कि इनको चिंता अपनी चुनाव की है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए, लेकिन ये लोग बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर रहे बल्कि निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री 130 दिनों से, मैं दोहराता हूं, 130 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं। जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ को लेकर के, हम लोग लगातार एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, हम लोगों का माथा झुक जाता है, रूह कांपने लगते हैं लोगों को इस तरह मरते हुए देखने को, और सरकार की अंतरात्मा नहीं जागती है। आंख का आंसू जो है सूख चुका है। हम लोग खुद जो है विपक्ष सरकार का काम कर रही है बल्कि सरकार जो है वो 130 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है लेकिन कोई भी केंद्र से भी सहयोग नहीं मिला है। ये कैसा डबल इंजन का सरकार है, आप लोग सब लोगों को पता होगा कि 2008-09 में जब कोसी में बाढ़ आया था, केवल 5 जिलों में था, उस समय लालू जी ने 1100 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया था। उस समय रेल मंत्री थे, पूरा यातायात जो है फ्री किया था, रेल नीर जो है पानी जो है बोतल वो भिजवाने का काम किया था, कैंप लगवाया गया था ताकि कैंप में खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था कराई गई थी और खुद उस समय के
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को लालू जी ने लाया था। लेकिन अभी बिहार के ही मुख्यमंत्री जो हैं बाढ़ को लेकर के गंभीर नहीं है, वो तो घर से निकले ही नहीं 125 दिनों से। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, बिहार सरकार तो विशेष पैकेज की भी मांग नहीं कर पा रही है, जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। या आप कहिए मुख्यमंत्री के पास तो हेलीकॉप्टर है। हम हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि बाहर निकलिए, आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, पायलट और आप बैठ करके जाइए, कम से कम स्थिति का मुआयना कीजिए, एरियल ही सर्वे कर लीजिए। अगर आप घर से नहीं निकल रहे तो आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, सुविधा है। जब तेजस्वी नाव पे जा सकता है तो आप जो है हेलीकॉप्टर से कम जो है एरियल सर्वे कीजिए, स्थिति का जायजा लीजिए। ना लोगों के रहने की व्यवस्था कराई गई है, ना कैंप की व्यवस्था कराई गई है, ना खाने की व्यवस्था कराई गई है, ना इलाज की व्यवस्था कराई गई है, ना मवेशी के चारे की व्यवस्था कराई गई है, ना आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है। पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार का जो है खेल है, लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रहा है। हमने कल भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी निकलिए हेलीकॉप्टर से, हमारे कहने के बाद जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको भेजा गया हेलीकॉप्टर से, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं निकले। हर काम जो है विपक्ष बता रहा है क्या करना चाहिए, तब जाकर के जब तक आवाज हम लोग बुलंद नहीं करते तब तक ये लोग अपना जो है पैर तक नहीं हिला पा रहे। सत्ता के नशे में चूर है, चुनाव को लेकर के चिंतित है, जोर तोड़ में लगे हुए हैं। अब बिहार को मरने के लिए बिहार के लोगों को छोड़ दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि इनको बाढ़ को नियंत्रण करना चाहिए था, तो ये पुल पुलिया बांध तोड़वा के, तटबंध तोड़वा करके निमंत्रण दे रहे हैं बाढ़ को, पूरा भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। ये जल संसाधन मंत्रालय का नाम बाढ़ संसाधन कर देना चाहिए। और इस आपदा के घड़ी में आपदा विभाग क्या कर रहा है, सोया हुआ है। ये आपदा को प्रबंधन करना चाहिए, तो ये आपदा कुप्रबंधन जो है वो करने में लगा हुआ है। यहां स्थिति जो है बद से भयावह होते जा रही है, सरकार जो है राहत नहीं पहुंचा पा रही है। और आप देखिए जो दुख के घड़ी में जनता के साथ खड़ा नहीं है, जनता की मदद नहीं कर रहा, लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहा, तो आप समझ सकते हैं ऐसे सरकार का क्या काम हो सकता है। बार बार हम लोग कह रहे हैं लेकिन नहीं, ये 5 तारीख को जाएंगे यूपी जाएंगे मुख्यमंत्री, 5 तारीख को, 7 तारीख को वर्चुअल रैली करेंगे, चुनाव की चिंता, लेकिन लोगों के लिए अस्पताल नहीं जाएंगे, मुआयना नहीं करेंगे। और अद्भुत है नीतीश कुमार जी का काम, पुल टूट गया, बांध टूट गया, तटबंध टूट गया, लेकिन किसी भी अधिकारी या मंत्री पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी पे भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंगल पांडे जो है अमंगल फैलाए हुए हैं पूरे बिहार में, पूरा जो आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार कहते रहे अगर मंगल पांडे जी अस्पताल नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, तब जाकर के ये NMCH गए। बताइए 4 महीने में एक बार अस्पताल का दौरा किए, अस्पतालों में लाशों का ढेर है, कोई उठाने वाला नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी हो डॉक्टर हो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संक्रमण जो है तेजी से बढ़ता जा रहा, बिहार नेशनल ही हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, लेकिन इनको अपनी चुनाव की चिंता है। वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं, काश डिजिटल
और वर्चुअल का फायदा, ये प्लेटफॉर्म का फायदा उठा करके बाढ़ पीड़ितों के काम में लगाते हैं, COVID-19 में लगाते हैं, पीड़ितों को लगाते हैं। तो ये जो है अपना रैली, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जो है एड्रेस करेंगे। ये पूरा मिसमैनेजमेंट किया गया है, बिहार को पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया। और लगातार हम बार बार मांग करते रहे कि मुख्यमंत्री जी आपको घर से निकलिए, जनता ने मैंडेट दिया था महागठबंधन को, लेकिन आपने तो धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया। भले ही चोर दरवाजे से आपने सरकार बनाई, बीजेपी को लाया, लेकिन अभी आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए, जो कि एकदम नहीं कर रहे। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग मायूस हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग भूखे हैं, लोग पीड़ित हैं, लोग बेघर हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अस्पतालों का चक्कर काट रहे हैं लोग, कोई भर्ती नहीं कर रहा, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर को पीपीए किट नहीं मुहैया कराया जा रहा। सरकार से लेकर के मंत्री से लेकर संतरी से लेकर अधिकारी से लेकर के आम नागरिक गरीब जो है सब लोग तबाह हो चुका है, सब लोग पीड़ित हैं, क्वारंटाइन हो रखे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन जांच की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही। तो इसलिए बिहार के अस्पताल में जाइएगा तो रुई और सुई के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना दवा मिलेगा, ना आपको कोई पूछने वाला मिलेगा, देखभाल करने वाला कोई नहीं मिलेगा। नर्स, सरकार, स्वास्थ्य कर्मी से लेके सब लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको सरकार जो है पीपीई किट नहीं दे पा रही। ये दोहरी मार बिहार को जो है लगातार बाढ़ और कोरोना ने तबाह कर रखा है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। लोग मरे तो मरे, लेकिन नीतीश बाबू की कुर्सी कैसी बची रहे इसकी चिंता है साहब। इसलिए हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों के बीच आए थे ताकि आप लोगों को स्थिति का अवगत कराएं। मधेपुर में जो मधुबनी का इलाका है, जो प्रखंड है मधेपुर, वहां हम स्वयं गए थे। लोग पीड़ित है, लोग मदद की गुहार मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं या जितने भी हमारे पार्टी के विचारधारा को मानने वाले लोग हों, लालू जी को चाहने वाले लोग हों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि इस दुख के घड़ी में बिहार के गरीबों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद और सहयोग जो जिस तरीके से आप लोग सक्षम हैं उस प्रकार से आप लोग पीड़ितों का, गरीबों का, बाढ़ पीड़ितों का मदद पर चढ़ करके आगे से आकर के आप लोग करने का काम करें। जो भूखे हैं उनको खाना खिलाएं, जो बीमार हैं उनका इलाज कराएं, जिनको रहने का नहीं है उनके लिए व्यवस्था कराएं। ये हम अपने पूरे पार्टी के पदाधिकारी से, कार्यकर्ताओं से और जितने भी फेसबुक पे जो लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लालू जी में जिनका विश्वास है, जो चाहते हैं, लालू जी की यही कामना है कि इस दुख के घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही गरीब के साथ खड़ा मिले, उसको सहयोग करे, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की कामना है। और एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि भरपूर आप लोग जो हैं गरीबों को इस संकट के दौर पर मदद पहुंचाने का काम करें। इसलिए आप लोगों के बीच आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।